Hello and welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तों, प्रथा इस समय शेषनागिन नहीं है, लेकिन प्रथा के सपने में क्यों आई उसकी माँ और आकर दिया उसको सबसे बड़ा वरदान, दिखाया प्रथा को सबसे सही रास्ता जिस पर चलकर अब प्रथा को करना है अपना इंतकाम पूरा। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टीवी का पटाखा की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, नागिन 6 में प्रथा के सपने में आई उसकी माँ रूपा, वो रूपा जो कि खुद नागिन थी लेकिन वो शेष नागिन नहीं बन पाई और आकर उसकी माँ ने उसको बहुत बड़ा सत्य बताया है महक का वो राज जिससे अभी तक प्रथा थी अनजान। जी हाँ, महक शुरू से ही सही नहीं थी, महक में शुरू से ही नेगेटिविटी दिखती थी और माँ रूपा को ये बात पता चल चुकी थी और यही वजह थी कि भगवान भोलेनाथ ने भी महक को शेष नागिन बनाने के लिए नहीं चुना। लेकिन अब खुद प्रथा की माँ प्रथा को ये वरदान देने वाली है कि उसको महक को खत्म करना होगा, महक को छल से ही मारना होगा, छल से ही महक का खात्मा करना होगा, रिश्तों को एक तरफ रखना होगा प्रथा को, क्योंकि महक एक बहुत बड़ी महाअसुर है। और ऐसे में प्रथा को ये ना सोचते हुए कि महक के साथ उसका खून का रिश्ता है, ये सोचना होगा कि उसको सबसे पहले अपने रिश्ते को अपने देश के साथ निभाना है। यानी कि आने वाले एपिसोड में हमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही प्रथा की माँ ही वो होगी जो प्रथा को ये बताएगी कि उसको पायल पहनकर तांडव करना होगा और तब उसकी शक्तियाँ उसको वापस मिल पाएंगी। दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं आप ये सब देखने के लिए, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।